दूसरे दिन 24 घंटे बाद लगभग उसी समय आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाती है। बोलो आवे कि नहीं आवे। और भैंस को भली पूरा टोकरा भर के लड्डू खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है। बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम बहुत लो जीबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है। 3 घंटे पुरानी फाइल उसके दिमाग से अपने आप डिलीट हो जाती है या फिर करप्ट हो जाती है। अब सोचो जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहे, ऐसी भुलक्कड़ भैंसों का दूध अगर आप अपने बच्चों को पिलाओगे तो बोलिए बच्चों को पढ़ाई याद रहेगी क्या? भैंस का दूध सफेद होता है और गौ माता जी का दूध पीला होता है। जो घास भैंस को खिलाई जाती है वही घास गाय माता को भी खिलाई जाती है। अंतर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी गौ माता का दूध पीला होता है और भैंस का दूध सफेद होता है। क्यों? क्योंकि भैंस की पीठ एकदम सपाट होती है और गाय माता जी की पीठ पर शिवलिंग विराजमान रहता है, जिसको आप लोग साधारण भाषा में थुई कहते हो। उस शिवलिंग में सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, जो सूर्य भगवान के प्रकाश का स्पर्श पाते के तरल स्वर्ण क्षार लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का तत्व खींच के दूध में छोड़ती है। वो दूध के संपर्क में आते ही के कैरोटीन नाम के तत्व का निर्माण करता है, उसी से दूध का रंग हो जाता है पीला। और वही पीलापन आपके बालक की बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। सच बात कहें तो भैंस और गाय माता के अंतर को हमारे पूर्वजों ने मुहावरों के माध्यम से ही कितना जबरदस्त समझा दिया। अगर कोई इंसान किसी की बात सुने नहीं, किसी की बात माने नहीं, किसी की बात समझे नहीं, बार बार कहने पर भी उसको समझ में नहीं आवे, तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा नहीं। कोई आदमी को बिल्कुल पढ़ना नहीं आवे तो सीधा कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। कोई आदमी का काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस। कोई खा पी के शरीर को तो फुला लेवे और काम उससे बिल्कुल नहीं होवे और फिर बैठो ही बैठो रहे तो क्या कहते हैं, क्या भैंस की तरफ पड़ा है। बोलो कहवे कि नहीं कहवे बन्ना, कहवे है। और कोई बच्चा समझदार है, सिंसियर है, माता पिता की बात मानता है, बिल्कुल झगड़ा नहीं करता है, अपने काम से काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, यो तो राम जी की गाय है, गाय। तो बोलिए कुछ तो गड़बड़ भैंस में है। ऐसी गड़बड़ वाली भैंस का दूध पिलाओगे तो बच्चा गड़बड़ वाला होगा कि नहीं। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे के लिए आवश्यक है दूध गौ माता का ही होना चाहिए। 2 नियम बता रहा हूं। इस सभा में जितने भी पढ़ने वाले भैया बहन बैठे हैं, प्रमाण है शास्त्रों में और शास्त्र आधारित नियम बता रहा हूं। जबाल पुत्र सत्यकाम की घटना पुराणों में उल्लेखित है। सत्यकाम जबाला नाम की ब्राह्मणी का बेटा था, गरीब परिवार था। सत्यकाम चाहता था कि मैं बहुत पढ़ लिख करके ज्ञानी हो जाऊं। वो गुरुजी के आश्रम में गए, कहा गुरुजी दक्षिणा देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, पहनने को मेरे पास अच्छी धोती भी नहीं है, ये कपड़ा ही लपेट रखा है, मैं पढ़ना। कहा बेटा हम तुझे पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आदेश गुरुदेव। कहा मेरी ये बीमार और कमजोर 300 गैया ले जाओ, इनके साथ कुछ नंदी ले जाओ, इनकी सेवा करो, जंगल में ले जाओ, इनको खिलाओ पिलाओ, जब ये 1000 से अधिक हो जाए तब लौट करके आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। 1000 से अधिक हो जाए तब आना। जबाल पुत्र सत्यकाम उन बीमार रुग्ण कमजोर गौ माताओं को लेकर के गए, प्रेम से सेवा की। सत्यकाम का नियम था नित्य उठ करके जंगल में ही सो जाते और प्रातः उठ करके गौ माता के लिए उत्तम घास जहां होती पहले तलाश के आते, फिर सभी गौ माताओं को वहां ले जाते, अच्छे से उनको जल पिलाते। अच्छी सेवा से कुछ ही दिनों में गौ माताएं स्वस्थ होने लगी, गर्भ धारण करने लगी और सने सने धीरे धीरे वो गौ माताएं 1000 से अधिक हो गई।
हजार से अधिक होते ही के सत्यकाम को वृषभ ने जो उन झुंड में बैल था मानव की आवाज में कहा, सत्यकाम हमारी संख्या अधिक हो चुकी है, अब तुम ले चलो वापस हमें। जैसे ही सत्यकाम आश्रम के बाहर आया, आश्रम में प्रवेश नहीं किया, मर्यादा का पालन किया, बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव बच्चा आ गया है, सारी गौ माताओं को ले आया है। गुरुदेव ने देखा सभी स्वस्थ गौ माताओं को, सत्यकाम के सिर पर हाथ रखा, चारों वेद सत्यकाम को एक क्षण में याद हो गए। गुरु भी सिर्फ उस पर अपनी कृपा बरसा सकता है जो गौ सेवक बन जाए। आप अगर अपने बालक पर आशीष चाहते हो, कई बच्चे आते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दे दो हमारी पढ़ाई हो जाए, भैया अगर गैया की सेवा नहीं की तो गुरु का आशीष भी फलित होने वाला नहीं है। जिस शास्त्रोक्त प्रमाण है, आइए मैं दो नियम बता रहा हूं, सावधानी से सुनना सभी विद्यार्थी। उन दो नियमों का पालन अगर विद्यार्थियों ने कर लिया तो समझ लो कि काम हो गया, तोते की तरह रटना खत्म हो गया। हमने कई विद्यार्थियों पर प्रमाण देखा है, सिर्फ दो नियम, जो बालक प्रातः सूर्य उदय से पहले उठे, कारण जो बच्चे 8 बजे 7 बजे उठते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं और फिर देरी से उठते हैं, उनको लाभ नहीं होगा। सूर्य की किरणें होती है कितनी, जोर से बोलो, आजकल का विज्ञान पढ़ाता है 7, आसमानी, बैंगनी, हरी, लीली, पीली, लाल और नारंगी, लेकिन वास्तव में सूर्य देवता की किरणें होती है 8। एक किरण होती है धर्मेष्ठी किरण, 7 तो रथ के घोड़े और 8वां सारथी है। उन 8 किरणों में से जो 8वीं किरण धर्मेष्ठी किरण है वो उगते हुए सूर्य से ही निकलती है। वो किरण जब बच्चे की बुद्धि पर पड़ती है उसका भी प्रभाव आता है, वही किरण जब गौ माता की पीठ पर पड़ती है तो उस समय सरस्वती शक्ति को जागृत करती है। तो सूर्य उदय होने से पहले बच्चे को उठाओ, उठा के बालक को स्नान कराओ और स्नान करा करके फिर बालक को ले जाओ गौ माता जी के पास और उसको कहो कि बेटा गौ को प्रणाम करके फिर परिक्रमा कर। परिक्रमा को लेकर के अपनी लघु चर्चा पहले भी हो चुकी है, मैं आज फिर से आपको परिक्रमा का खुलासा करता हूं कि परिक्रमा पाखंड नहीं है, परिक्रमा विज्ञान है। इस संसार की हर गतिविधि के पीछे कहीं कहीं परिक्रमा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की परिक्रमा से प्राप्त हो रहा है। आधुनिक एटम साइंस कहता है कि एक छोटे से परमाणु के केंद्र के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन घूमते तब जाकर के वो परमाणु विखंडन से अपने आप को बचा पाता है। इसी तो लोग गिरिराज जी, गोवर्धन जी जाके परिक्रमा करते हैं, देवताओं की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। तो प्रातः के समय जो गौ माता के तन में विद्या शक्ति है, क्योंकि कहा है कि सर्वे देवा गवा मंगे, सकल देविक शक्तियां गौ के तन में तो है ही, तो प्रातः के समय जब बच्चा 7 परिक्रमा गौ माता की करता है तो उस समय गौ माता के तन से विशेष विद्या शक्ति प्रवाहित होकर के बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करती है। और उस समय याद रख करके एक बच्चे को रामायण जी की चौपाई बोलनी चाहिए, रामचरितमानस की, जिस चौपाई को भगवान श्री राम जी के विद्या अध्ययन के बारे में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा। गुरु कह गए पठन रघुराई, गुरु कह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या पठन रघुराई, गुरु ग्रह गए
याद रखें सभी विद्यार्थी कि गुरु ग्रह गए पठन पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई को बोलते हुए सात परिक्रमा रोज गौ माता की करे या नंदी की करे। यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, गौ का मतलब गौ वंश से है। कई लोग समझते हैं कि गौ का मतलब गाय और बैल को बाय बाय, ऐसा नहीं। गौ का मतलब गोवंश, चाहे वो नर गोवंश है चाहे मादा गोवंश है, एक ही बात है। अगर गाय माता जी की सेवा करो और नंदी को छोड़ दो तो बात तो वही हो गई कि मैया को तो राम राम करो और पिपता जी को रवाना कर दो। चाहे बछड़ा है बछड़ी है गौ माता है या बैल है नंदी है सांड है, किसी की भी परिक्रमा करो चल जाएगा। लेकिन गौवंश की परिक्रमा करते हुए ये चौपाई सात बार बोले पहला काम, और दूसरा काम संध्या को सोने से पहले रात्रि को सोने से पहले एक गिलास देसी गाय माता जी के दूध को बढ़िया से फैट करके अगर मिल जाए तो घी डाल करके ऊंचा नीचा करके गौट घाट के पी के सो जाए। लेकिन माताओं को विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि दूध माताएं ही पिलाती है, इसलिए दूध 11 महीने ही पिलाया जाता है बच्चे को, 12 महीने नहीं। वर्ष में एक महीना ऐसा आता है उस समय दूध पिलाना गलत है और उस महीने का नाम है सावन महीना। सावन महीने में बालक को बिल्कुल दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर आपने सावन में दूध पिला दिया तो 11 महीने जो मेहनत की वो सारी बेकार, कि सावन का दूध घुटने भी खराब करता है और बुद्धि को भी जाम करता है। इसका एक छोटा सा प्रमाण हम आपको दे देते हैं। सावन में दूध कौन से भगवान को चढ़ाते हो आप? जोर से बोलो, भोले बाबा को। बोलो भोलेनाथ की। क्यों हनुमान जी ने आपका कुछ नुकसान किया क्या? उनको क्यों नहीं चढ़ाते? कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? उनको क्यों नहीं चढ़ाते? केवल भोले बाबा को ही क्यों चढ़ाते हैं? विज्ञान, हिंदू धर्म की साइंस कितनी मजबूत है यहां स्पष्ट दिखाई देता है। हर वर्ष श्रावण महीना आता है और वो एजुकेटेड इडियटियों की फौज सक्रिय हो जाती है, तथाकथित ज्ञानियों की। हर श्रावण महीने में मैं देखता हूं अभियान चलाते हैं, अखबारों में न्यूज़ें लगती है बड़ी बड़ी, और वो कहां खड़े हो जाते हैं? भोले बाबा के मंदिर के बाहर सुबह सुबह। जो भी आदमी दूध की वो पाउच लाते हैं शहरों में, तो ज्यादातर जैसे ही पाउच लाते उसको रोकते, देख भाई भोले बाबा को तो बूंद दो बूंद चढ़ा दे, ये पत्थर पर बहारने से कोई लाभ नहीं, गरीबों को पिलाएंगे। और फिर वो एक सुई रखे, पिन पिन लगाई, दो चार बूंद उसके हाथ से भोले बाबा पर चढ़वा देते, बाकी एक तरफ रखवा देते हैं कि गरीबों को पिलाएंगे। ए भाई, गरीबों की इतनी चिंता है तो तेरे घर में रोज 2 लीटर दूध आता है, आधा लीटर रोज का निकाल देना, ये सावन मास का भोले बाबा के हिस्से से ही गरीबों का पेट भरेगा क्या? प्रथम बात तो ये कि आप अगर इतने ही गरीबों के शुभचिंतक हैं तो अपने घर में बनने वाले भोजन में से थोड़ा निकालो ना। ये तथाकथित लोगों का भोजन देखना, जब होटल पर खाने जाते हैं 4 प्लेट मंगाते हैं और 2 प्लेट खा के 2 प्लेट को सरका देते हैं। भारत सबसे ज्यादा दुखी अज्ञानियों से नहीं, अनपढ़ से नहीं, इन तथाकथित अति बुद्धिजीवियों से है। भारत का सबसे ज्यादा कबाड़ा इन अधिक तथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने किया है, जो वस्त्र बदलते हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। भाई, हिंदुस्तान की संस्कृति की गहराई में उतर के देखो, ये श्रावण महीने में दूध चढ़ाने के पीछे कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा। क्योंकि भोले बाबा को चढ़ रहा है क्यों? क्योंकि विष पीने की क्षमता, जहर पचाने की ताकत भूत भावन भगवान भोले बाबा के अलावा किसी में भी नहीं है, और सावन के महीने में विष रहता है दूध में। सावन के महीने में गौ माता हरी घास ही खाती है, और विशेष रूप से वनस्पति में सावन महीने में वात तत्व बहुत बड़ा हुआ रहता है, वो गैया खाती है तो वही दूध में आता है, और उस वात तत्व की वृद्धि के कारण घुटने भी जाम होते हैं और बुद्धि भी जाम होती है। इसलिए सावन का दूध अपने बच्चों को कभी भी नहीं पिलाना चाहिए। सावन महीना छोड़ के एकादश मास अगर कोई बच्चा गाय माता का दूध पिए और द्वादश मास 12 महीने अगर गाय माता का
परिक्रमा करे, एक वर्ष में इस बच्चे का भौतिक स्तर कई गुना बढ़ जाता है और वो जो कुछ पढ़ता है उसको तुरंत याद हो जाता है और फिर दीर्घ काल तक वो भूलता नहीं। 200 रुपए लीटर भी मिले तो दूध देसी गाय माता का ही पिलाना चाहिए, जर्सी का नहीं। रोज निवेदन कर रहा हूं मैं, जर्सी गाय माता नहीं है, जर्सी जरा जरा सी गाय जैसी दिखती है जो हमारी जरा यानी बुढ़ापे को जल्दी लाती है, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाती है। 12 अगस्त 2015 का दैनिक भास्कर अखबार अगर आप उठा के देखो तो उसके अंदर एक चिकित्सक ने एक रिपोर्ट लिखी है और ऊपरी ऊपरी लाइन में लिखा कि अगर मैं जर्सी के दूध की हकीकत लोगों को बता दूं तो पीना तो दूर छूना ही लोग बंद कर देंगे, इतने बेकार पदार्थ।